आप लोग ये टाइटल देखकर यहाँ पे आए हो ना। एक्चुअली सच बताऊँ तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ टाइटल देख के यहाँ पे आते हैं और थोड़ी सी देखकर चले जाते हैं। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज जो जर्नी होने वाली है वो कोलकाता टू दीघा है। आप लोग टाइटल में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बेसिकली मैं जो ट्रैवल करने जा रहा हूँ वो है श्यामोली यात्री परिवहन, जिसका बस अभी पीछे खड़ा है। तो ये जो जर्नी होने वाली है ये लगभग 4 घंटे के आसपास है और 180 किलोमीटर के आसपास होना है। तो वक्त है 7:15 पे छूटने का और अभी वक्त हुआ है 6:40। तो हमारे पास थोड़ा वक्त है, तो हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बस खड़े है ये है B8R 9400 जो कि आसनसोल तक जाएगी, लेकिन हमारे जो बस है वो B11R है, जो कि जो नया है। अभी श्यामोली यात्री की जो एक परेशानी यही है कि वो हर कभी कभी मैं जब टिकट खरीद रहा था तो प्राइस अप डाउन हो रहे थे। जो प्राइस की इंफॉर्मेशन है मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि जो बस है उसमें मुझे कुछ मतलब अभी तक तो मैं इससे पहले जो बस में ट्रैवल किया था वो थोड़ा पुराना सा था, लेकिन जर्नी जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है और प्रीमियम तरह की चार्ज करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरी जो टिकट की प्राइस है वो 500 रुपीज़ है, और जब मैं पहले इसे खरीदने जब ये लिस्ट हुआ था तब 476 रुपीज़ था, और अभी 449 रुपीज़ या 48 रुपीज़ हो चुका है। तो आप लोग समझ सकते हो कि किस तरह से ये चार्ज करते हैं। और आई एम शोभिक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ेदार होने वाला है और इंजॉय ज़रूर करना। बेसिकली मैं अभी इस प्लानेट पे खड़ा हूँ, तो ये है इस प्लानेट। सामने खड़ा है B8R। वैसे यहाँ से आप लोगों को हर तरह का बस मिल जाएगा। जो नॉर्थ बंगाल की बस है वो दूसरी तरफ है, और इस तरफ है श्यामोली यात्री की टिकट काउंटर। वैसे यहाँ पे बहुत गंदा है और मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्राउड है क्राउड को थोड़ा सा अगर अवॉइड करूँ तो बेहतर होगा। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करता हूँ, और सबसे आखिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक लाइक ज़रूर ठोक देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा। तो चलिए आगे जब बस आती है और जब छूटती है सारे चीज़ वहीं पे दिखाता हूँ। Gracias.
बात कर रहा ভালো ছিল না মানে যেরকম কথা বার্তা সব দিকে মানে চাল চলো সব দিকে ও সবসময় মদ ফদ খাই বলে হার বিক্ষে নেই মানে জীবনও সুতরাবে না অবস্থা যা দেখো অবস্থা কি হয়েছে কেউ মারা গেছে না মন্ত্রী না ধর্মঘট কি করি তো
चार मिनट छाड़ा सिग्नल कर।
চালানি কোনো দিন? না একদিনও না, তবে তুই চালু হয়েছে? না भी। यहाँ पे 20 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक है और ये कोलाघाट पे है। ये होटल का जो नाम है न्यू घोष नाम करके, तो मैं उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। सड़क पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और आप लोगों ने देखा 100 के करीब में भी एक बार स्पीड उठाया था और उसके बाद इतना ट्रैफिक है रोड में, अभी भी लेट चल रहा हूँ हम लोग। और अभी थोड़ा सा बस का इंटीरियर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, अभी भी बस ऑन है और 22 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे रखे गए हैं एसी को। और बेसिकली ये पहला वाला मेरा सीट है और मैं बहुत लकी हूँ कि इस बार बस मैं अकेला जर्नी कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं जब शैमली परिवहन में लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जब ट्रैवल कर रहा था लास्ट, तो उस टाइम पे मेरे साथ मेरे को पैसेंजर होने के टाइम पे मैं उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था। आज मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि दीघा जो लोग ट्रैवल करते हैं वो ज़्यादातर तो कपल ही होते हैं। मैं अभी बाहर उतर के आप लोगों को बाहर का हालात भी दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे बोतल होल्डर, यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोन रखने की जगह है अंदर, यहाँ पे सीसीटीवी नहीं है। ये सबसे बड़ी मुझे अभी नज़र आया, ये एक ड्रॉप पॉइंट है, यहाँ पे एक टेलीविज़न है और इस तरफ पे जो भी चीज़ है वो सब ऑन तो नहीं था इससे पहले, लेकिन देखकर लग रहा है ये नया वाला है जो वॉल्वो है। तो थोड़ा सा आप लोगों को उतर के भी दिखाएगा। न्यू घोष होटल रेस्टोरेंट, और बाहर का नॉइज बहुत ज़्यादा है जिसके लिए मैं आई होप मेरे आवाज़ आप तक पहुंच रही है। तो ये है शैमली परिवहन और उसके सामने मैं, और यहीं पे आई मीन 20 मिनट का शायद हॉल्ट है। तो मैं बाहर का खाना उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि जंक फूड और फास्ट फूड खाने से कभी भी हालत ख़राब हो सकती है इसी वजह से। और आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ B11 और एक्चुअली में दिखता कैसा है। ये है B11 और शैमली यात्री परिवहन। बेसिकली अंदर जाके आप लोगों से सारे बात करता हूँ मैं। इससे पहले मैंने जो पहले कहा कि शैमली यात्री परिवहन में ट्रैवल तो कर चुका हूँ लेकिन कुछ खास तो नहीं था उसमें, लेकिन इस बार जो सीट है सीट कंफर्टेबल थोड़ा सा ज़्यादा मुझे बेहतर लगा और मेरे को पैसेंजर ना होने की वजह से मैं थोड़ा सा कम्फर्टेबल भी शूट कर पा रहा था। अभी अंदर थोड़ा सा ठीक ठाक सा है लेकिन बाहर सच में बहुत नॉइज़ था। आई होप मेरे ऑडियो सारे अब तक सही से पहुंच रहे। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, आगे भी कुछ शॉट लेता हूँ और मैं थोड़ा सा एक जानकारी भी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि शैमली यात्री परिवहन का जो जब मैंने ट्रैवल कर रहा था तो उस टाइम पे 7:15 पे एक ही बस था, लेकिन अभी 7:30 पे दूसरा एक बस भी अलाउ कर दिया, वो भी वॉल्वो B11R है लेकिन सब सीटर है, नॉट सेमी सीटर या फिर स्लीपर बस जो भी है। लेकिन जो 6:21 पे कोरोना मई से भी एक बस ऑपरेट होती है, मैं उसको इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि वहाँ तक जाने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि बिधाननगर से कोरोना मई के बीच में कुछ बस वगैरह या फिर नहीं है सुबह में, इसी वजह से। क्योंकि मेरे घर के नज़दीक में जो आता है बाड़ासात से दीघा भी आप बस लेके जा सकते हो, वो भी अच्छा है, लेकिन मैं ऑलरेडी वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कवर कर चुका हूँ और उसमें क्या है उसका बस सच में बहुत नया है और बहुत ही अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। लेकिन उसका एक
ड्रॉप पॉइंट ये है कि इसका जो कर्टन है, कर्टन बहुत थोड़ा सा नीचा ज़्यादा झुका रहता है, जिसकी वजह से अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता हूँ शॉट। तो यही एक चीज़ है। और शामुल यात्री परिवहन ने तो जानते हो इस रूट में, या फिर दिल्ली आसनसोल रूट में भी किंग है, बहुत ज़्यादा बस ऑपरेट करती है वो लोग। और उसके अच्छे से जानने की बहुत एक वजह है, क्योंकि जो इंटरनेशनल बस सर्विस है कोलकाता टू ढाका, ये बस सर्विस का जो टेंडर है उसने क्रैक किया था, और अभी शायद ये बस सर्विस बंद है, लेकिन इससे पहले वही ऑपरेट करते हैं, सिर्फ एक जो इंटरनेशनल बस सर्विस है। तो यही सारी चीज़ है। तो चलिए आगे देखते हैं और कितना ट्रैफिक मिलता है। वैसे जो कैट एंड माउस का रेस था वो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। আমি 2008 থেকে জয় দাদার ভলভো নিয়ে চলছি, সেই কাজ হচ্ছে তো হচ্ছে। আজ থেকে ক বছর হলো, তাহলে 10-11 বছর ধরে কাজ হচ্ছে হচ্ছে, কাজের আছে। আগে এই তো এই কি বলে এই বছর 2020-তেই তো দিল। কেননা দেখেছে এপো মানে টোল তো হ্যাঁ বটে, কিন্তু সে টোল তো ওখানে ওঠাতে পারছে না, টোলই তো বসায়নি, কারণ সব ডাবল এখানে সব ফোর লেনে আপডেট করে তারপর টোল বসে। আমাদের ভয় ছিল হোটেল জানা বন্ধ হয়ে যায় বুঝলে, বোতল ধরে খালি হোটেলটা যদি বন্ধ থাকতো না এত লোকের খাওয়া দাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। কোথায় গেল বাথরুম ফাথরুম এইখানে কোন কোন রাজুর হোটেল ছিল ঠিক আছে মনে নেই, ভুলে গেছি কি হোটেলের নাম ছিল। স্নান করে তারপরে শেওড়া পুলি তারকেশ্বর আরামবাগ গুনিয়ার ঘুরে ঘুরে আসবো। একদিন গেলাম শেওড়া পুলি মুলি ঘুরে একটা সময় সেতু যান সোমবারে আসবেন তো? হ্যাঁ সোমবার, তাহলে কি টিকিট বুক করবো? বুক করবো আমি গিয়ে তাহলে। আচ্ছা হ্যালো ছেড়ে দে তাহলে, ঠিক আছে ফোন নাম্বারটা একটু দিয়ে রাখ। আমি আমার নাম্বারটা দিয়ে রাখছি ঠিক আছে, চাপ থাকলে কিন্তু পাবে না মুশকিল। তাহলে আপনাকে বন্ধু হয়তো 400-500 টাকা দিয়ে গেলেন, তা তো সেদিন রিটার্নের সময় দিলেন এইরকম আর। Thank you.
যেমন আগে যাবি না জিজ্ঞেস করে নেবে কোনো দিন যদি আসে যে মন্দারমণি কামবি না দীঘা না বুঝলি তো তুমি যেগুলো লাগেজগুলো রেখেছি তুমি তো মন্দার হাত তো দাঁড়াবে না হেল্পার গাড়ি আমারই ভালো এবার জগল ড্রাইভার আরামসে কোনো ঝামেলা নাই এনে থাকিব রুটও ভালো আমাদের চালানো রুট টুকটাক করে কম বেশি এনে থাকিব হবেই কি ভাই हमारा जर्नी ख़त्म होती है और यही है बस स्टैंड। एक्चुअली ओल्ड दीघा पे अभी ये उतर रहे हैं लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है ये इंडियन ऑयल के सामने उतरते हैं लेकिन आज मालूम नहीं है ऐसा क्यों कि ये लोग यहीं पे उतर दिया। और वक्त हो चुका है 12:40, मतलब 1:40 से ज़्यादा बर्बाद हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था इसी वजह से अभी लेट हुआ, बहुत पैसेंजर तो परेशान भी थे। तो बस इतनी सी है और आगे कुछ भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।